फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूज ऑफ द पढ़ाऊंगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जब आर्टिकल पढ़ा रही थी तो आर्टिकल दो भागों में होता है, ए एन और द। तो ए एन को तो मैंने पहले ही बता दिया था और वर्क भी दिया हुआ था, होमवर्क, जिसे आप में से बहुत सारे ने करके भी दिखाया है। और दूसरा है द, ये डेफिनेट आर्टिकल है और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जिसको मैं काफ़ी डिटेल से पढ़ाऊंगी ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन जो हो वो रिमूव हो जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, अधिकतर हम ये तो सुनते हैं कि द कहाँ लगाते हैं, लेकिन आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी द कहाँ नहीं लगाया जाता है। इसको कहते हैं ओमिजन ऑफ आर्टिकल, मीन्स द। ओके वेल फ्रेंड्स, जो मेरा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं पहले कहूँगी कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले मेरे जितने भी वीडियोज हैं आप उनको देख सकें। और पहली बात मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको पता चल सकेगा कि हमें द कहाँ यूज़ करना है और कहाँ ओमिजन ऑफ आर्टिकल यानी द हमें कहाँ नहीं यूज़ करना है। वेल फ्रेंड्स, अपनी इस क्लास को मैं स्टार्ट करूँ उसके पहले जो मैंने अपने वर्क दिए हुए थे प्रीवियस होमवर्क, उसमें से देखते हैं कितने फ्रेंड्स ने और कितने स्टूडेंट्स ने सही किया है आप में से, क्योंकि ये बहुत अवेटेड वर्क भी था। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं इसको। जैसा कि पहले ही मैंने लिखा हुआ है, करेक्शन ऑफ प्रीवियस होमवर्क। ये जब मैंने आपको अपॉस्ट्रॉफी एस पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको 5 ट्रांसलेशन दिए थे और इसका मैंने आपसे कहा था कि आप इसको करने की कोशिश करिएगा, सॉल्व करिएगा। और कई सारे बच्चों ने मुझे सॉल्व करके दिखाया भी है व्हाट्सएप पर, तो मैं यहाँ पूरा डिटेल से आपको बता दूंगी। और उसके अलावा ए एन के जो मैंने आपको ब्लैंक्स दिए थे उनको आपको फिल करना था, वो भी हम आज समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम पहले अपॉस्ट्रॉफी एस के होमवर्क, जो प्रीवियस होमवर्क था, उसके करेक्शन को देखते हैं। जैसा फ्रेंड ये लिखा हुआ था, वह लीला का दोस्त है, तो चूंकि वह दोस्त है किस सेंस में है, तो ये मैस्कुलिन इसको मानेंगे, मेल फ्रेंड्स को मानेंगे, तो वह लीला का दोस्त है, ही इज लीलाज फ्रेंड। और यहाँ लीला के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज हुआ है, का के की के सेंस में लिविंग के साथ। नेक्स्ट है, यह लोगों की पसंद है, तो दिस इज पीपल्स चॉइस। फ्रेंड्स, ये आप देखिए, पीपल ये ऑलरेडी प्लूरल है, क्योंकि पीपल का मतलब होता है लोग, यानी मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा। और उसके साथ हमने लगाया है अपॉस्ट्रॉफी एस, ये प्लूरल बनाने के लिए नहीं, ये अपॉस्ट्रॉफी एस, ये का के की के लिए यूज हुआ है। तो यह लोगों की पसंद है, दिस इज पीपल्स चॉइस। और अगर हमें कहना हो बहुत सारे लोग, तो हमें कभी भी पीपल्स नहीं कहना है, हमें वहाँ पीपल ही कहना है। पीपल ऑलरेडी एक प्लूरल वर्ड है, तो जब भी आप सिंगुलर टू प्लूरल चेंज करें उसमें आप कन्फ्यूज ना हो। हम नेक्स्ट अपने सेंटेंस पर आते हैं, वह शनि की कुर्सी है, सो चूंकि कुर्सी है तो नॉन लिविंग है, तो इसलिए दैट इज शनीज चेयर, दैट इज शनीज चेयर। नेक्स्ट है, मैं महिमा की माँ हूँ, आई एम महिमाज मदर। वह बच्चों की अध्यापिका है, शी इज चिल्ड्रंस टीचर। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ ध्यान देना होगा, या स्टूडेंट्स आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि यहाँ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन अपने आप में ही प्लूरल है, क्योंकि चाइल्ड और उसका प्लूरल होता है चिल्ड्रन। इसके साथ हम प्लूरल बनाने के लिए एस नहीं लगाते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ बच्चों की दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ कॉमा और एस यानी अपॉस्ट्रॉफी एस लगाया है। इसका मतलब है कि शी इज चिल्ड्रंस टीचर, यानी वह बच्चों की अध्यापिका है। और इसे अगर आप कहेंगे किड्स, तो चूंकि किड यानी एक बच्चा और बहुत सारे बच्चों के लिए किड्स लगाएंगे, तो वहाँ हम सिर्फ ये क्वामा लगाएंगे, वहाँ एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये इंडिकेट करने के लिए कि ये प्लूरल है, इसके साथ एक और एस नहीं लगाएंगे। तो मुझे आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड, मुझे लगता है आपको इसको समझ में आ गया होगा। अगर इसके अलावा कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप फिर से मुझसे पूछ सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में आकर। ओके फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपने यूज ऑफ ए और एन पर। मैंने आपको नियर अबाउट मोर देन 20 ब्लैंक्स दिए थे, जिसको मैंने आपको बताया था कि आपको इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन के थ्रू इसको फिल करना है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, उसमें से आप में से कितनों ने सही किया है। पहला था मेरा एच एम टी, तो दोस्तों यहाँ एन होगा, स्टूडेंट्स यहाँ पर एन होगा, क्योंकि देखिए एच ए ए वर्ड आ रहा है जो कि वॉवेल साउंड है, तो इसलिए यहाँ पर एन लगेगा, एन एच एम टी, एच वॉवेल साउंड। नेक्स्ट था वर्ड ऑथर, उसके साथ भी हमें लगाना है एन, ए एन एन, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन भी वॉवेल साउंड है, ऑथर। और ऑयल है, ऑयल के साथ कुछ भी नहीं लगेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ ये लिक्विड है, लिक्विड के साथ हम ए और एन नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये ए और एन काउंटेबल, अगर वो सिंगुलर है उसके साथ ही लगता है, और ये चूंकि ऑयल अनकाउंटेबल है, लिक्विड है, तो इसलिए हम इसके साथ कुछ भी नहीं लगाएंगे और ए एन में से कुछ भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट है मेरा बी ए, इसके साथ आपको लगाना है, जैसे ही इज ए बी ए स्टूडेंट, तो ही इज ए बी ए, सो ए लगेगा यहाँ, क्योंकि बी ये वॉवेल साउंड नहीं करता है, कॉन्सोनेंट साउंड है इसका। और फिर है नेक्स्ट वर्ड है एक्टर, एक्टर ए आ रहा है, वॉवेल साउंड है, तो इसलिए यहाँ एन लगाएंगे। यूरोपियन, ओके स्टूडेंट्स आप इसको ध्यान से देखिए, ये यूरोपियन है, य तो ये वॉवेल साउंड नहीं करता, ये आई में नहीं आता है, ये आता है कॉन्सोनेंट में, तो इसलिए यहाँ ई होते हुए भी, वॉवेल होने के बावजूद यहाँ हम ए लगाएंगे, क्योंकि ये वॉवेल साउंड नहीं, ये य आ रहा है, य
और वह ये हम कहाँ यूज करते हैं, ये आता है हमारे कॉन्सोनेंट में यानी व्यंजन में, तो हमें इसके साथ नहीं लगाना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एयर। एयर ये यहाँ एच लगा हुआ है, ये हालांकि दिखने में तो हेयर लग रहा है लेकिन ये इसको प्रोनाउंस करते हैं एयर, इसलिए यहाँ एन एयर होगा। इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी एयर, तो एन एयर। फिर आर, इसको हम लोग हावर नहीं कहते, इसको हम लोग कहते हैं आर, तो यहाँ एन लगेगा यानी एक घंटा, एन आर। तो आप इसको समझ रहे होंगे एन आर। वेल फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वर्ड है एन आर, बिकॉज ये वोवेल प्रोनाउंस है। और इसको ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि ऑनर इट कांट बी काउंटेड, मतलब ये अनकाउंटेबल होगा। तो अगर हम कहेंगे यह मेरे लिए एक सम्मान की बात है, सो इट इज़ एन ऑनर फॉर मी, उस सेंस में। अनिता जी, मैं आपके लिए कह रही हूँ, आपने इसे लिखा हुआ था कि ये अनकाउंटेबल सेंस में है। ऑफ कोर्स इट इज़ अनकाउंटेबल, बट इट इज़ एन ऑनर फॉर मी। इन दैट केस आई हैव रिटन लाइक दिस। एंड एनिमी, एनिमी पर हम आएंगे तो ए आया, तो यहाँ एन लगाएंगे, ये वॉवेल है और ए आएगा। फिर अगली, अ अगली, तो एन। फिर ए वर्ड व है, क्योंकि ये वॉवेल साउंड नहीं कर रहा है तो, और ये वैसे भी ये कॉन्सोनेंट है और ये भी कॉन्सोनेंट है, तो ए लगेगा। आईलैंड, इसको आइसलैंड नहीं, इसको आईलैंड कहते हैं, एस साइलेंट होता है, वॉवेल साउंड एन लगेगा। ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग, फ्रेंड्स अधिकतर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम यहाँ ए लगेगा कि एन लगेगा। मैं इसे बताऊंगी कि वैसे आपने पढ़ा होगा तो इसको जैसे हम ऑनेस्ट कहते हैं, इसको भी हिस्टोरिकल, होटल, लेकिन इसको मोर कॉमन जो है वो हम यूज़ करते हैं हिस्टोरिकल। तो ए हिस्टोरिकल बिल्डिंग, वो जो ब्रिटिश में होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन ही वैसा होता है, दे प्रोनाउंस इट इन सच अ वे सो इट साउंड्स लाइक हिस्टोरिकल बिल्डिंग, सो दे मे यूज एन, बट हियर मोर कॉमन इट इज हिस्टोरिकल, सो वी विल यूज ए। नेक्स्ट होटल, सेम थिंग, इट इज मोर कॉमन, इट्स होटल, सो इट इज ए। एंड देन वन ओ, इट इज वॉवेल बट इट्स प्रोनाउंसिएशन इज व, सो इट साउंड लाइक, इट डजेंट साउंड लाइक वॉवेल, सो ए। एंड ईयर, सो वाई इट इज, बिकॉज दिस इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट एंड इट्स प्रोनाउंसिएशन इज ऑल्सो, तो ए। सो ऑर्गेनाइज, इट्स प्रोनाउंसिएशन ऑर्गेनाइज एंड हियर वॉवेल एंड प्रोनाउंसिएशन इज ऑल्सो, इट साउंड वॉवेल, सो एन। एंड एंजल ए, सो एंजल एन, ए वुमेन, सो इट इज सिंगुलर, सो वी विल यूज ए हियर, हम लोग यहाँ ए का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको ये वर्क दिया था ए एन का, तो मुझे लगता है इसके थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उससे कमेंट बॉक्स में मेरे पूछ सकते हैं, और जो भी कन्फ्यूजन हो आप इसको बार बार देख कर आप इसको रिमूव कर सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो आज मैंने आपको टॉपिक के बारे में समझाने के लिए जो बताया था, आज हम लोग आर्टिकल्स का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने पहले लिख रखा है आर्टिकल्स, जिसको कि उपपद कहते हैं, और ये दो तरह के होते हैं, ए एन जो कि एक इनडेफिनिट आर्टिकल होता है जिसके बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल से पढ़ाया है अपने पिछले वीडियो में, और आज हम बात करेंगे इस द की, जिसको हम कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। और ये जो होते हैं ए एन और द, ये सभी क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आते हैं। जब भी आप काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। अभी हम अपने द पर आते हैं। तो फ्रेंड्स इसको डेफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं, जैसे अगर मैंने एक सेंटेंस लिया कि आई सॉ अ डॉक्टर इन हॉस्पिटल, तो फ्रेंड्स यहाँ आपने देखा कि आई सॉ अ डॉक्टर इन हॉस्पिटल, इट मीन्स मैंने एक डॉक्टर, किसी भी डॉक्टर की बात मैं कर सकती हूँ, मैंने एक डॉक्टर को हॉस्पिटल में देखा। तो यहाँ ए जो दिखा रहा है वो इनडेफिनिट है, यानी कोई डेफिनिट नहीं, किसी निश्चित डॉक्टर की बात हम नहीं कर रहे, वहाँ हमने किसी भी डॉक्टर की बात की, एक्स वाई जेड कोई भी वो हो सकता है। अब यदि इसी को हम यहाँ द लगाए, आई सॉ द डॉक्टर इन द हॉस्पिटल, अब हम द डॉक्टर जब बात करते हैं तो इट मीन्स हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डॉक्टर की, क्योंकि यहाँ डॉक्टर पर्टिकुलराइज हो गया है, इसलिए यहाँ हम द का यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, और ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि उसमें जैसे दिस इज अ पेन, यह एक पेन है, लेकिन अगर हम कहेंगे कि वेयर इज द पेन विच आई केप्ट हियर, सो वहाँ हम एक पर्टिकुलर पेन की बात करेंगे, इसलिए इसे हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, हम इसमें आगे बढ़ते हैं और हम डिटेल में इसके जाते हैं, थोड़ा मैं आपका टाइम लूंगी जिससे कि हम समझ सकें कि हमें द का यूज डिटेल में कहाँ यूज करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें द का यूज हेवेनली बॉडीज जो होती हैं,
हेवेनली बॉडीज, आकाशीय पिंड, इनके साथ करते हैं। आकाशीय पिंड में आप समझ ही रहे होंगे, इट मीन्स द अर्थ, द मून, द स्काई, इट मीन्स इनको हम ले सकते हैं। यानी पहले हमें क्या यूज करना है, मैं आपको काफी इसका यूज बताऊंगी। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हम इसे कहाँ यूज करेंगे। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि ओमिजन ऑफ आर्टिकल में आपको बताऊंगी कि कहाँ हमें द का यूज नहीं करना है, लेकिन हमें ये जानने के पहले कि कहाँ हमें द का यूज नहीं करना है, पहले हम ये जान लेते हैं कहाँ हमें द का यूज करना है, ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो और ये ना हो कि अरे वहां तो हमें द का यूज करना था या नहीं करना था, ये कोई कन्फ्यूजन ना रहे और आपको सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो यहाँ जैसे मैंने लिखा है कि आकाशीय पिंड की जब हम बात करेंगे हेवेनली बॉडीज की, तो हम यूज करेंगे द, तो इसलिए यहाँ द, द अर्थ, द मून, द स्काई। नेक्स्ट पर हम आते हैं जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द नॉर्थ एंड द साउथ। तो जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे तब हमें द यूज करना है, जब हम हेवनली बॉडीज की बात करेंगे तो हमें द यूज करना है। वेल फ्रेंड्स, अब हम ये देखेंगे कि हमें द का यूज किस जगह नहीं करना है। छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताती चल रही हूँ कि हमें द का यूज कहाँ नहीं करना है। अगर आप बात कर रहे हैं हेवन की, हेवन, हेवन का मतलब क्या होता है, स्वर्ग। अगर हम बात कर रहे हैं हेल की, हेल मीन्स क्या होता है, नर्क। अगर हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट की यानी संसद, और अगर हम इस तरह की चीजों की बात करें जैसे हेवन, हेल, पार्लियामेंट एंड ऐसी चीजों में हमें द का यूज नहीं करना है। फ्रेंड्स मुझे लगता है आपको ये समझ आ रहा होगा, जैसा कि मैंने बताया कि हेवनली बॉडीज के साथ, आकाशीय पिंडों के साथ हमें यूज करना है, डायरेक्शन के साथ, लेकिन जब भी हम बात करेंगे हेवन, हेल, पार्लियामेंट, तो उनके साथ हमें द का यूज नहीं करना है। तो इसे अब मैं इरेज करती हूँ ताकि हम आगे बढ़ सके अपने। ये हमने एक जाना कि हमें कहाँ कहाँ यूज करना है, अब अपने दूसरे वर्ड पर आते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं रेंज ऑफ माउंटेन की, रेंज ऑफ माउंटेन्स, तो हमें वहां यूज करना है द। अब हम इसे बताएंगे लाइक द हिमालयाज, द विंस, विंध्याज, द एल्प्स, एल्प्स की पहाड़ियाँ, तो हम इसे यूज करेंगे द। तो फ्रेंड्स हमारा दूसरा यूज ऑफ द क्या हुआ, रेंज ऑफ माउंटेन्स के पहले हमें द का यूज करना है, जैसा कि यहाँ दिखा हुआ है द हिमालयाज, द विंध्याज एंड द एल्प्स, तो हमें यहाँ द यूज करना है। लेकिन फ्रेंड्स जैसे अगर हम बात करें ये हिमालय है, सपोज कीजिए हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये पूरा रेंज है, लेकिन अगर हम इस सबसे हाईएस्ट पीक की बात करते हैं यानी इसकी, जैसे माउंट एवरेस्ट, तो जब हम चोटी की बात करते हैं इट मीन्स पीक, किसी एक वचन यानी सिंगुलर पीक की बात करते हैं, तब हमें वहां द का यूज नहीं करना है। फ्रेंड्स जैसे अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये हो गया टोटल रेंज, रेंज ऑफ माउंटेन, तो हम यहाँ लिखेंगे द हिमालयाज, जैसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये द हिमालयाज हो गया, लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर द हाईएस्ट पीक की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पीक के साथ द का यूज नहीं करना है, क्योंकि ये पर्टिकुलर नाम है और ये एक वचन में है। वेल फ्रेंड्स अब हम अपने तीसरे यूज पर आते हैं। थर्ड यूज है हमारा, अगर हम बात करेंगे एपिक की या किसी रिलीजियस बुक की, यानी महाकाव्य या धार्मिक पुस्तकों की,
तो हमें यूज करना है जैसे द रामायणा, द बाइबल, तो हमें यहाँ ऐसे यूज करना है एपिक या रिलीजियस बुक्स के साथ हमें यूज करना है द। वेल फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट यूज कराते हैं। ओके, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, हम फोर्थ में काफी प्लेस है मेरे। तो इसके अलावा जब हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री फ्रेंड्स, मैं आपको जब भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी। वैसे अभी आप समझ ले सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, यानी जिसमें सबसे लगा हो, यानी सबसे लंबा, सबसे छोटा, सबसे मोटा, सबसे अमीर, सबसे गरीब, तो वहां जिसमें सबसे लगा हो तो वो होता है सुपरलेटिव डिग्री। इसको मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ, आगे जब हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ेंगे तो हम मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी। जैसे अगर हमें यूज करना है द बिगेस्ट, तो हमें यहाँ पर यूज करना होगा ये, चूंकि सबसे बड़ा, तो यहाँ हो गया द बिगेस्ट, तो ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री। अगर हमें यूज करना है द रिचेस्ट, तो हमें यहाँ ये लगाना होगा। और अगर हम बात करें ऑर्डिनल नंबर्स की, ऑर्डिनल नंबर्स यानी क्रमवार संख्याएं, क्रम या क्रमवार संख्याओं की अगर हम बात करने हैं ऑर्डिनल नंबर्स की, जैसे द फर्स्ट यानी पहला, द फिफ्थ, द नाइन्थ, तो हम जब क्रमवार संख्या की बात करते हैं, ऑर्डिनल नंबर की बात करते हैं, तो हमें यहां पर यूज करना है द, जैसे द फर्स्ट यानी पहला, द फिफ्थ यानी पांचवा, द नाइन्थ यानी नवा। तो आप इसे नोट करते जाइए या इसको समझते जाइए, क्योंकि प्लेस के हिसाब से मैं लिखती जाऊंगी, आप इसे बार बार चेक भी कर सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं रोमन नंबर की, रोमन नंबर की, जैसे सिक्स या, तब हमें यहां एसटी या एनडी, और हमें यहाँ द का यूज नहीं करना है तब, और हमें ना एसटी लगाना है ना एनडी लगाना है, और इसमें रोमन नंबर के साथ द का यूज नहीं होता है। वेल, अब हम अपने नेक्स्ट यूज पर आएंगे। अब फिफ्थ पर, वेल जैसा कि हम अगर रूल नंबर 5 को पढ़ें तो ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो हम बात करेंगे ग्रुप ऑफ आइलैंड की, तो जैसे द वेस्ट इंडीज, ये ग्रुप है द वेस्ट इंडीज, द अंडमान, तो ग्रुप है, तो जो ग्रुप में होंगे आइलैंड उनके साथ हमें लगाना है द। लेकिन ऐसे द्वीप जो एक वचन में हो, जैसे सुमात्रा, जावा, सिसली, तो उनके साथ हमें द का यूज नहीं करना है। इसी तरह यदि हम नदी, सागर, खाड़ी, मरुभूमि, जंगल इत्यादि के नाम के पहले, तो हमें द का यूज होता है, जैसे द गंगेज, द सहारा, द बे ऑफ बंगाल। इसी तरह हम 7 नंबर पर आएंगे, जब भी हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, हाँ, जब भी हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, जैसे द तबला, द सितार, तो हमें उसके साथ द लगाना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ कि कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा, इसके अलावा हम लोग डिटेल में भी और पढ़ेंगे। वेल फ्रेंड्स, हम अपने 8वें यूज पर आते हैं। समाचार पत्रों के नाम के पहले द का यूज होता है, जैसे द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स, चूंकि ये न्यूज़पेपर के नाम है तो हमें द का यूज करना है। ओके, 9 नंबर पर हम आएंगे धार्मिक समुदाय या राजनीतिक दलों के नाम के पहले, जैसे द बीजेपी, द मुस्लिम, द हिंदू, जैसे द हिंदू का मतलब हिंदू लोग, द मुस्लिम यानी मुस्लिम लोग, द बीजेपी, सो ये चूंकि राजनीतिक दल का नाम है इसलिए। इसके अलावा किसी, जब किसी व्यक्ति को
उसके पद द्वारा संबोधित करते हैं। संबोधित करते हैं जैसे द डायरेक्टर, द पीएम, द होम मिनिस्टर। फ्रेंड्स कुछ कुछ मैं चीजें लिखती जा रही हूँ पहले से ही, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और टाइम आपका किल ना हो। जब हम किसी व्यक्ति को उसके पद के द्वारा संबोधित करते हैं जैसे द डायरेक्टर, द पीएम और द होम मिनिस्टर। और हम अपने रूल नंबर 11 पर आएंगे, किसी भी जब किसी व्यक्ति, देश का नाम हो तो वहां द का यूज नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। फ्रेंड्स आप इसको ध्यान से देखिए और स्टूडेंट्स आप इसको ध्यान से देखिए। अब मैंने कहा है कि जब किसी व्यक्ति और देश का नाम हो, यानी व्यक्ति का नाम हो या देश का नाम हो, तो वो प्रॉपर नाउन होता है, इसलिए वहां द का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ कि किस जगह और किस कंडीशन में हम द का यूज कर भी सकते हैं। वेल फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको बताया कि प्रॉपर नाउन जो होते हैं देश या व्यक्ति के नाम के पहले द का यूज नहीं लगाते, लेकिन किसी किसी केस में जैसे द यूएसए, द सूडान, द नीदरलैंड, ऐसे केस में हमें इनके साथ द लगाना होता है। दिस इज रूल। ओके नाउ हम नेक्स्ट रूल पर आते हैं। जब भी हम बात करते हैं ऐतिहासिक इमारतों के नाम के पहले द का यूज होता है, ये तो बहुत हम लोग बचपन से ही जानते हैं। जब भी हम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की और बिल्डिंग्स की बात करते हैं तो हमें द का यूज करना पड़ता है, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट। ओके नाउ थर्ड नंबर, डेट ऑफ मंथ के पहले द का यूज होता है। जैसे अगर हम बात करेंगे द 5th January, द 2nd August, सो हम वहां पर द का यूज करेंगे। इसके अलावा अगर हम एक ही सेंटेंस में नाउन की पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन, इसे मैं ज्यादा डिटेल से नहीं लिख रही हूँ, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा समझने में, आप इसे समझ लीजिए। मैंने बताया कि नाउन की जब पुनरावृत्ति होती है, इसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे अगर हम कहेंगे आई सॉ ए गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। अब यहाँ गर्ल नाउन है, इसके पहले तो नॉर्मल, चूंकि ये इनडेफिनिट है और ए गर्ल लगाया है और ये आर्टिकल इनडेफिनिट आर्टिकल है, यानी मैंने किसी भी एक्स वाई जेड लड़की को देखा, आई सॉ अ गर्ल। लेकिन जब हम उसी नाउन को दोबारा यूज करते हैं उसी सेंटेंस में, तो द गर्ल वॉज ब्यूटिफुल, तो हम यूज करेंगे आई सॉ अ गर्ल, द गर्ल वॉज ब्यूटिफुल। चूंकि यहाँ इसी वर्ड की, इसी नाउन की पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ हमने यूज किया है द, तो यहाँ पर इस केस में द का यूज होगा। हाँ वेल फ्रेंड्स हम नेक्स्ट रूल पर आते हैं। लिखा हुआ है कि यदि वाक्य में नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो तो द का यूज होगा। जैसे कि द कलर ऑफ द पेन, यानी ये नाउन हुआ, ये भी नाउन है, तो हमें इसके, और ये ऑफ यानी ये प्रीपोजिशन है, तो इसके पहले जो भी नाउन आ रहा है उसके साथ हमें द का यूज करना है, तो द कलर ऑफ द पेन यानी द का यूज हमें करना है। इसी तरह हम नेक्स्ट रूल पर आते हैं। जब लिखा है कि जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में हो तो, इन द सेंस कि अगर हम कहेंगे पुअर, पुअर का मतलब हुआ गरीब, तो ये हुआ एडजेक्टिव यानी कि क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। लेकिन यदि हम इसी को कहेंगे द पुअर, अब हमने यहाँ द लगा दिया तो इसका मतलब हो गया गरीब लोग, गरीब लोग, तब ये हो गया नाउन। तो जब हम एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में करेंगे तब हमें वहां द लगाना है। एक नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए, जैसे रिच, रिच का मतलब हुआ अमीर, अब हमने ये हुआ एडजेक्टिव, यदि हम इसे लगाएंगे द रिच तो हो गया अमीर लोग। एक और उदाहरण लीजिए, अगर हम कहेंगे ब्लाइंड यानी अंधा, ये एडजेक्टिव हुआ, लेकिन अगर हम इसे कहेंगे द ब्लाइंड तो ये हो गया अंधे लोग,
यानी कि जब हमें एडजेक्टिव का यूज जब हम नाउन के रूप में करते हैं तो हमें वहां द लगाएंगे तो ये हो जाएगा नाउन, तो इसलिए इन केस में हम द का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके यूज ऑफ द, यानी कि हम किस किस जगहों पर द का यूज करते हैं। ठीक है, आइए हम समझिए कि हमें कहाँ द का यूज नहीं करना है। फ्रेंड्स आप इसे बार बार चलाकर देख सकते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ भी सकते हैं। और अब हम आते हैं, वेल फ्रेंड्स अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ओमिजन ऑफ आर्टिकल अधिकतर, जैसे मैंने आपको फ्रेंड डिटेल से बताया कि हमें द का कहाँ यूज करना है, लेकिन हम लोग अधिकतर जब हमें भी कुछ ब्लैंक्स मिलते हैं तो हम उसे फटाफट द ए एन लगा कर उसे पूरा फिल कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स कभी कभी कुछ कुछ ब्लैंक्स हमें कंफ्यूज करने के लिए भी दिए होते हैं कि यहाँ आपको भरना तो कुछ नहीं है, लेकिन वो ब्लैंक सिर्फ होता है वो आपका दे वॉन्ट टू चेक योर नॉलेज दैट येस हाउ मच यू नो अबाउट दिस। तो हमें ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें इन इन जगहों पर द का यूज करना है और प्लस इन इन जगहों पर द का यूज नहीं करना है। आइए देखिए कहाँ हमें द का यूज नहीं करना है। जैसा मैंने पहले लिख दिया है कि ओमिजन ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल द की अशुद्धियां ए और एन, तो मैंने आपको पहले डिटेल से बता दिया है, तो मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करती हूँ बताना। जैसे अगर हम स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, कोर्ट, बेड के पहले द का यूज नहीं होता है। अगर हम बात कर रहे हैं स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, कोर्ट, बेड की बात कर रहे हैं तो हमें द का यूज नहीं करना है जब वो इसके रियल सेंस में यूज होंगे। इसको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं, माय सन गोज टू स्कूल, यानी मेरा बच्चा स्कूल जाता है। माय सन गोज टू स्कूल, मेरा बेटा स्कूल जाता है, तो मेरा बेटा स्कूल तो पढ़ने के पर्पज से ही जाता है, फॉर दैट स्कूल्स आर मींट, सो स्कूल जिस पर्पज के लिए बनाए जाते हैं उसी पर्पज के लिए बच्चे जाते हैं, तो मेरा बच्चा स्कूल पढ़ने के पर्पज से जाता है तो हम यहाँ द का यूज नहीं करेंगे। जैसे हम लोग बचपन से यूज करते हैं माय सन गोज टू स्कूल या आई डोंट गो टू स्कूल ऑन संडे, इस तरह के सेंटेंस में। लेकिन फ्रेंड्स हमें कहाँ, अब आप कहेंगे कि मैंने कई जगहों पर देखा भी है कि द यूज हुआ है इस केस में, अब हम देखते हैं कि किस जगह पर हमें द आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैंने कहा कि मैं कॉलेज जाता हूँ तो आई गो टू कॉलेज, तो वहां द का यूज नहीं होगा। लेकिन अगर आपको कहना हो कि या अगर आपको कहना हो कि द स्कूल इज नियर माई हाउस, आप इसको पहले सेंटेंस रिलेट भी कर सकते हैं, माय सन गोज टू स्कूल, मेरा बेटा स्कूल जाता है, और द स्कूल इज नियर माय हाउस। अब हम दूसरे सेंटेंस में स्कूल को उस पर्पस से नहीं यूज कर रहे हैं जिस पर्पस से स्कूल को बनाया गया है, इट मींस हम सिर्फ स्कूल के लोकेशन की बात कर रहे हैं, तो हम वहां द का यूज कर सकते हैं। यानी कि सेंटेंस है माय सन गोज टू स्कूल, मेरा बेटा स्कूल जाता है, और वो स्कूल यानी वो जो पर्टिकुलर स्कूल है वो नियर माय हाउस है, वो मेरे घर के पास है, तो इस केस में आप द का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इन सभी चीज़ों का यूज उस केस में कर रहे हैं, उस सेंस में कर रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल अगर हम इलाज कराने के सेंस में यूज कर रहे हैं तो हमें वहाँ नहीं यूज करना है द। लेकिन अगर हम सिर्फ लोकेशन की बात कर रहे हैं या उसकी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ द लगा सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होइएगा, आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से नोट करें। ओके, अब हम दूसरी चीज़ की बात करते हैं, जब हम दिन महीनों के नाम की बात करते हैं तो आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं मंडे, तो ये दिन का नाम हुआ, जैसे आई ऑब्जर्व फास्ट ऑन मंडे, तो वहां हमें द का यूज नहीं करना है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं जनवरी, जनवरी, तो ये भी मंथ का नाम है तो हमें यहाँ पर नहीं यूज करना है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सैटरडे, तो यहाँ हमें जैसे वी डोंट गो टू कोचिंग ऑन सैटरडे बिकॉज इट इज हॉलीडे देयर, तो हम वहाँ यूज नहीं करेंगे द का। मंथ का भी नाम अगर हम कहेंगे मार्च, माई एग्जाम विल स्टार्ट इन मार्च, तो हम यहाँ पर द का यूज नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स आप इसको याद कर लीजिए, दिन और महीनों के नाम को पहले आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रूल नंबर थर्ड, खेल कूद के नामों को पहले आर्टिकल नहीं लगता है। खेल कूद का सेंस अगर हम बात करते हैं क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, इन सब की बात करते हैं तो उनके नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे आई प्ले क्रिकेट, या दे वॉच हॉकी, तो जैसे अगर खेल के नाम की बात कर रहे हैं तो हमें वहां पर द का यूज नहीं करना है, यानी स्पोर्ट्स या गेम्स के नाम के पहले द का यूज नहीं करना है। ठीक है, आइए हम देखते हैं और कहां हमें द का यूज नहीं करना है। वेल फ्रेंड्स जैसा लिखा हुआ है, तो भोजन सामग्री के नाम के पहले द का यूज नहीं होता है। अगर हम कहेंगे आई टेक
डिनर एट नाइट। तो यहाँ डिनर खाने, डिनर लंच इनके साथ हम द का यूज नहीं करते हैं। एक और सेंटेंस लेते हैं, आई टेक ब्रेड एंड बटर, तो हम यहाँ द का यूज नहीं करेंगे, यानी भोजन सामग्री के नाम के पहले हमें द का यूज नहीं करना है। ओके, हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। भाषाओं के नाम के पहले द का यूज नहीं होता है। जब हम किसी भी लैंग्वेज का नाम लेते हैं तो हम उसके साथ द का यूज नहीं कर सकते। इसको हम एग्जाम्पल से कहेंगे, जैसे वी स्पीक हिंदी, हम हिंदी बोलते हैं। ये एक और सेंटेंस लीजिए, आई एम लर्निंग इंग्लिश। तो यहाँ हम चूंकि लैंग्वेज का नाम है तो हम यहाँ द का यूज नहीं करेंगे। इसी तरह अगर हम बात करेंगे पर्वों ऋतुओं के नाम के पहले द का यूज नहीं होता है। पर्वों ऋतु इन द सेंस ऑफ फेस्टिवल्स के नाम के पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। जैसे वी सेलिब्रेट होली, तो हम यहाँ द का यूज नहीं करेंगे। या आई लाइक विंटर सीजन, तो हमें यहाँ द का यूज नहीं करना है क्योंकि ये सीजन का नाम है और ये फेस्टिवल का नाम है, तो हमें इस केस में द का यूज नहीं करना है। आइए, ओके फ्रेंड्स, देखिए जैसे विषयों के नाम के पहले द का यूज नहीं होता है। यदि हम सब्जेक्ट की बात करें, जैसे आई रीड साइंस, या हिंदी कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि हिंदी लैंग्वेज का नाम है, तो कुछ भी आप और करें, जैसे हिस्ट्री, तो आई रीड साइंस या हिस्ट्री, तो चूंकि ये विषय का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है, तो हमें इसके साथ द नहीं लगाना है। इसी तरह जब हम बात करते हैं मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, आर्ट, साइंस, यानी फिलोसफिकल कोई बात करते हैं, तो हमें उसके पहले द का यूज नहीं लगाना है। जैसे मैन इज मॉर्टल, यानी कि मनुष्य क्या है, मरणशील है, मनुष्य मरणशील है, तो हमें यहाँ द का यूज नहीं लगाना है। यानी कि मैन, वोमेन, लाइफ, डेथ, आर्ट, साइंस, इसके साथ हमें द का यूज नहीं लगाना है। मैंने इसको एक एग्जांपल से बतला दिया है, इसके अलावा आप और भी इसको कर सकते हैं। तो हम थर्ड पर आते हैं, बीमारियों के नाम के पहले द का यूज नहीं होता है। फ्रेंड्स, अगर मैं कुछ सिक्वेंस बोल रही हूँ तो कोई बात नहीं, आप इसको अपने हिसाब से जो आप जॉट डाउन कर रहे हैं उसमें आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना हुआ। बीमारियों के नाम के पहले द का यूज नहीं होता है। बीमारियों इन द सेंस की अगर हम बात करते हैं कॉलरा, अगर हम बात करें कॉलरा, तो ये ऐसे नॉर्मल डिजीज के नाम के पहले हमें द का यूज नहीं करना है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि किसी किसी केस में हम कभी कभी द का यूज करते हैं, तो जैसे हम बात करते हैं द प्लेग, द मीजल्स, द मम्स, तो हम वहां पर द का यूज कर सकते हैं। तो इस केस में आप यूज करेंगे। ओके, एक दो और बचे होंगे, मैं आपको बता दे रही हूँ। फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। प्लूरल तो आप समझ ही रहे होंगे, बहुवचन, काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं नाउन, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले द का यूज नहीं होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम कहना हो कि चिल्ड्रेन आर इनोसेंट, तो फ्रेंड्स इसका मतलब हुआ कि बच्चे निर्दोष होते हैं। तो चिल्ड्रेन आर इनोसेंट, यानी बच्चे निर्दोष होते हैं। तो ये हम लोग चूंकि प्लूरल है ये, और ये काउंटेबल है, बच्चों को गिन सकते हैं, और ये चूंकि प्लूरल है तो इसके साथ हमें द का यूज नहीं करना है। लेकिन हमें किस केस में द का यूज करना है, अगर हम किसी एक प्लेस की बात करें, किसी एक विशेष बच्चों की बात करें, लाइक द चिल्ड्रेन ऑफ ऑफ दिस प्लेस आर नॉटी, तो अगर हम बात कर रहे हैं कि द चिल्ड्रेन ऑफ दिस प्लेस, जैसा कि मैंने आपको समझाते द का यूज पढ़ाते समय यही बताया था कि ये डेफिनिट आर्टिकल होता है, यानी हम जब किसी विशेष लोगों की बात कर रहे हैं, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलराइज कर रहे हैं किसी वर्ड को, तो ही हमें द का यूज करना है। जैसे द चिल्ड्रेन ऑफ दिस प्लेस आर नॉटी, तो हम उस जगह के
उस जगह के बच्चों की बात कर रहे हैं। इट मीन्स उस जगह के बच्चे क्या हैं, नॉटी हैं, ना कि सारे बच्चों की, जैसा कि ये बता रहे हैं। ओके, हम नेक्स्ट अपने यूज पर आते हैं। यहाँ लिखा है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन यानी अबस्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन या प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज सामान्य अर्थ में होता है। फ्रेंड बच्चे, जब हम लोग ये स्टूडेंट जब हम लोग बच्चों में आपने पढ़ा होगा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन, ये सारे नाउन, तो ये भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी हम समझ लेते हैं इसको। जब भी हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं, जैसे अबस्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन का मतलब भाववाचक और मटेरियल नाउन का मतलब मैटर से संबंधित यानी पदार्थ, या प्रॉपर नाउन सामान्य अर्थों में जब, तो हमें उसके साथ द का यूज नहीं करना। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर हमें कहना हो, इसका एग्जांपल लेते हैं अबस्ट्रैक्ट नाउन का, हमें कहना हो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी ये अबस्ट्रैक्ट नाउन है, यानी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो यहाँ ये अबस्ट्रैक्ट नाउन है, तो हमें इसके साथ द का यूज नहीं करना है। अगर हम बात करते हैं मैटेरियल नाउन की, सिल्वर इज वाइट, इट मीन्स चांदी क्या होती है, सफेद होती है, तो हमें सामान्य अर्थ है, तो हमें इसके साथ, ये मैटेरियल नाउन है, इसके साथ हमें द का यूज नहीं करना है। यदि हम कहेंगे प्रॉपर नाउन को एग्जाम्पल लेंगे, यदि हम कहेंगे राम इज ए गुड बॉय, तो यहाँ राम ये प्रॉपर नाउन है, यानी किसी व्यक्ति का नाम है, तो हमें यहाँ द का यूज नहीं करना है। और वैसे भी किसी भी देश, जगह या महादेश, राज्य, व्यक्ति के नाम के पहले तो हमें प्रॉपर नाउन ये सारे होते हैं, इनके साथ हमें द का यूज नहीं करना है। तो ये बतला रहा है कि अनकाउंटेबल नाउन, जैसे अबस्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन या प्रॉपर नाउन, जब नॉर्मल सेंस में हो तब हमें द का यूज नहीं करना है। लेकिन फ्रेंड्स, इसी जगह मैं आपको बताती हूँ एक और चीज। अगर हम बात करते हैं राम ऑफ द रामायण, रामायणा, अगर हम इसकी बात कर रहे हो, यानी कि हम नॉर्मल राम किसी लड़के की नहीं बात कर रहे हैं, रामायण के जो कैरेक्टर है राम, अगर हम उनकी बात कर रहे हैं, यानी कि एक डेफिनेट चीज की बात कर रहे हैं, तो हम वहां द का यूज करेंगे, यानी द राम ऑफ द रामायणा, तो हम यहाँ दी राम लगा सकते हैं इस केस में। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि हमें कहाँ लगा सकते हैं द का यूज, कहाँ द का यूज कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि इस केस में हम द का यूज कर सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया कि सामान्य अर्थ में जब हम बात करते हैं लाइक राम इज ए गुड बॉय, तो हम वहाँ वो राम चूंकि प्रॉपर नाउन है, उनके नाम के पहले हम द का यूज नहीं कर सकते, लेकिन जब हम किसी एक पर्टिकुलराइज करेंगे तो हम यूज कर सकते हैं। इसको एक और उदाहरण से समझ सकते हैं, लाइक जैसा मैंने आपको बताया कि सिल्वर इज वाइट, इट मीन्स सिल्वर जो होता है चांदी होती है और सफेद होती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं मटेरियल नाउन की, लाइक द गोल्ड ऑफ इंडिया इज नॉट वेरी येलो, एक उदाहरण लेते हैं। अब हम सिर्फ नॉर्मल मटेरियल नाउन यानी कि गोल्ड की बात नहीं कर रहे, अब हम इसे पर्टिकुलराइज हमने कर दिया, यानी इंडिया के गोल्ड की बात कर रहे हैं, तो हम यूज करेंगे द गोल्ड ऑफ इंडिया इज नॉट वेरी येलो, यानी इंडिया का जो सोना होता है वो ज्यादा येलो नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, जो मैं आपको समझा रही हूँ, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि किस केस में हम यूज कर सकते हैं और किस सेंस में हम नहीं यूज कर सकते। मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है और अब आपकी बारी है, क्योंकि मैं आपको अब कुछ वर्क दूंगी जिसे कि आप, जो आपने इसको ध्यान से समझा हो, आप इसको समझ गए हो, वो आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, यानी कि मैं आपको कुछ वर्क दे रही हूँ, होमवर्क दे रही हूँ, उसको आपको सॉल्व करके मुझे दिखाना है, जिससे कि मुझे ये क्लियर हो जाए कि हाँ आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। वेल फ्रेंड्स, मैंने आपको यूज ऑफ द और यूज ऑफ ए और एन अच्छे समझा दिया है, और ए और एन का तो मैंने आपको होमवर्क दिया था, अब बारी है यूज ऑफ द की। देखते हैं कितने फ्रेंड्स उसको और कितने स्टूडेंट्स उसको सॉल्व करते हैं। तो टोटल 10 मैंने दिए हैं और आपको उसको फिल करना है। पहले हम बढ़ते हैं, पहला सेंटेंस है मेरा, ब्लैंक है, कॉफी वॉज वेरी गुड। यहाँ आपको द लगाना भी है, नहीं भी लगाना है, जो भी आपको समझ आए वो आप कर लीजिएगा। ब्लैंक है, कॉफी वॉज वेरी गुड। सेकेंड, आई प्ले ब्लैंक वायलिन। थर्ड, डू यू प्ले ब्लैंक क्रिकेट। फोर्थ, ही इज लर्निंग ब्लैंक इंग्लिश। फिफ्थ, क्रिकेट इज ब्लैंक मोस्ट पॉपुलर गेम। सिक्स नंबर, ब्लैंक सिल्वर इज वाइट।
सेवन नंबर ब्लैंक गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज वेरी फाइन, एट नंबर ब्लैंक पुअर आर ऑनेस्ट, नाइन ब्लैंक कॉलरा इज अ वेरी डेंजरस डिजीज, ब्लैंक जनवरी हैज 31 डेज। तो ये फ्रेंड्स आपके टोटल रहे आपका होमवर्क यूज ऑफ द का। वेल फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा हो और आपको इस मेरे आपको अपने ज्ञान को बढ़ाने में कुछ भी ये इन्हांस कर रहा है आपके नॉलेज को, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें और स्टे एट होम स्टे सेफ। एंड आपको जो भी इसमें जो भी समझ में आ रहा है आप इसे मेरे कमेंट बॉक्स में शो करिएगा, न कि व्हाट्सएप पर और FB पर। तो आप इसे कमेंट बॉक्स में शो करिए और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, बिकॉज देयर इज़ नो एंड ऑफ नॉलेज, देयर इज़ नो एंड ऑफ एनी थिंग, बिकॉज स्पेशली लर्निंग इज ए लॉन्ग प्रोसेस फ्रेंड्स। ये मैं नहीं कह सकती कि बस यहीं पर ये पूरी चीज़ें समाप्त हो गई, बिकॉज लर्निंग इज ए लॉन्ग प्रोसेस। ओके फ्रेंड्स, हैव अ गुड नाइट।